अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाने से पहले टेनेंट यानी किराएदार का वेरिफिकेशन कराना जरूरी होता है। अगर आप बिना टेनेंट वेरिफिकेशन के अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ा देते हैं तो इससे आपका चालान कट सकता है और आपको हजारों रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। टेनेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन से ही टेनेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको टेनेंट वेरिफिकेशन कराने का पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेनेंट वेरिफिकेशन पुलिस करती है, इसलिए आपको अपने राज्य की पुलिस वेबसाइट पर जाना होगा, जिसके लिए आप एक ब्राउजर ओपन करेंगे, उसमें आप टाइप करेंगे यूपी पुलिस यूपी के लिए, तो आपके सामने यूपी पुलिस की वेबसाइट आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप टाइप करेंगे दिल्ली पुलिस, तो आपके सामने दिल्ली पुलिस की वेबसाइट आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप रहते हैं महाराष्ट्र में तो आप टाइप करेंगे महाराष्ट्र पुलिस, तो आपके सामने महाराष्ट्र पुलिस की वेबसाइट आ जाएगी। अगर आप रहते हैं राजस्थान में तो आप टाइप करेंगे राजस्थान पुलिस, तो आपके सामने राजस्थान पुलिस की वेबसाइट आ जाएगी। तो ये एक तरीका है अपने राज्य की पुलिस वेबसाइट पर विजिट करने का। जस्ट आपको ब्राउजर में टाइप करना होगा अपने स्टेट का नाम और पुलिस। जैसे कि हमें यूपी में टेनेंट वेरिफिकेशन करना है तो हम लिखेंगे यूपी पुलिस और यूपी पुलिस की वेबसाइट पर विजिट करेंगे। सभी स्टेट की पुलिस वेबसाइट पर आपको सिटीजन सर्विस का ऑप्शन जरूर मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको टेनेंट पीजी वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जिसके लिए आप यहाँ क्रिएट सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। एक न्यू टैब ओपन हो गई है, यहाँ पर आप डालेंगे अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पर चूज कर लेंगे जेंडर, एक ईमेल आईडी डालेंगे और एक मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड को दोबारा डालेंगे ताकि ये कंफर्म हो जाए। इसके बाद सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है, यहाँ पर ये कैप्चा टाइप करेंगे जैसा लिखा हुआ है। इसके बाद लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जनहित गारंटी अधिनियम है, इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा किराएदार पीजी सत्यापन अनुरोध, आप यहां विवरण जोड़े पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको डिटेल्स फिल करनी होगी, पहले आप मालिक की सूचना डालेंगे, यहां पर फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, यहां पर बिजनेस के मालिक क्या काम करता है। नीचे यहां पर एड्रेस आ जाएगा जिसमें मकान संख्या, गली का नाम, कॉलोनी, इलाका, एरिया, यहां पर गांव, कस्बे या शहर का नाम, तहसील, ब्लॉक या मंडल का नाम, यहां पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहां पर देश आ गया है भारत, राज्य, जिला, पुलिस स्टेशन और यहां पर पिन कोड। इसके बाद किराएदार की सूचना फिल करनी होगी, जिसके लिए यहां पर पहले व्यक्तिगत जानकारी यानी पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे, यहां पर चूज कर लेंगे रिहायशी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है या फिर कमर्शियल है, बिजनेस के लिए ली गई है किराए पर, ये आप चूज कर लेंगे। यहां पर किराएदार का मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ रिश्तेदार में आप जिसका भी नाम डालते हैं उससे किराएदार का क्या संबंध है वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद किराएदार का क्या काम है वो आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर जेंडर डाल देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, किराएदार की आपको जन्म तिथि यहाँ पर डालनी होगी जो कि आप कैलेंडर से चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पता डालना होगा किराएदार का, जिसमें वर्तमान पता, पिछला पता और स्थायी पता तीनों आपको डालने होंगे। सबसे पहले आप डाल देंगे वर्तमान पता, किराएदार का जो भी करंट एड्रेस है यहाँ पर डालेंगे, पिछला पता, किराएदार पहले कहाँ रह रहा था वो एड्रेस आप यहाँ पर डाल देंगे, किराएदार का अगर कोई परमानेंट एड्रेस है तो वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ परिवार के सदस्यों की जानकारी, इस पर आप क्लिक करेंगे और किराएदार के जो भी परिवार के सदस्य है उसकी जानकारी यहाँ पर डालेंगे, जैसे कि वाइफ का फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, किराएदार ने कौन सी आईडी दी है जैसे कि पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड, जिसका भी यहाँ पर नाम डाला है किराएदार का उससे क्या रिश्ता है यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर किराएदार के फैमिली मेंबर की जन्म तिथि डालेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना होगा किराएदार का, खोजे पर क्लिक करेंगे और फोटो अपलोड करेंगे। फोटो आप जेपीजी, पीडीएफ किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, जिसका मैक्सिमम साइज 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर चूज कर लेंगे। तस्वीर यहाँ पर प्रत्यक्ष चूज कर लेंगे मतलब फ्रंट, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप नाम डाल दीजिए जैसे कि हम डाल देते हैं फोटो, इसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे, ये अपलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फोटो अपलोड हो चुका है, इसके बाद बंद करे पर क्लिक करेंगे, फोटो आ गया है। अब यहाँ पर आपको उसका आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने चूज किया है आधार कार्ड, तो यहाँ पर
आधार कार्ड अपलोड करेंगे, खोजे पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके उसका आधार कार्ड चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डाल देंगे, जैसे कि हम डाल देते हैं आधार, इसके बाद अपलोड करें पर क्लिक करेंगे, ये भी अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो गया है, बंद करें पर क्लिक करेंगे। फोटो और आईडी दोनों अपलोड हो गई है। इसके बाद आप यहां शपथ पत्र पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप डिक्लेरेशन देंगे कि जितनी भी डिटेल्स यहां पर प्रोवाइड की गई है सब बिल्कुल सच है। ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहां जमा करें पर क्लिक करेंगे। 50 रुपीज का आपको पेमेंट करना होगा। प्रोसीड विद नेट पेमेंट पर क्लिक करेंगे। पेमेंट के आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप इंटरनेट बैंकिंग या कार्ड से यहां पर पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। एक बार पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, तो आप यहां खोज स्थिति पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस यहीं पर चेक कर सकते हैं। यहां पर चूज कर लेंगे सेवा अनुरोध, यहां पर चूज कर लेंगे किराएदार सत्यापन, यहाँ पर 2020 चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर खोजे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टेटस आ जाएगा और यहीं से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दिल्ली में टेनेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर भी देखिए सिटीजन सर्विसेज का ऑप्शन मिल गया है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ टेनेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम डालेंगे अपना, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन टाइप चूज कर लेंगे और यहाँ पर आईडी नंबर डाल देंगे, जैसे कि आधार चूज किया है तो आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी और यहाँ पर जेंडर चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे इस कैलेंडर से। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको डालना होगा अपना परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यस कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको एक यूजर नेम चूज करना होगा, जो भी आप लॉगिन के लिए रखना चाहते हैं। यहाँ पर एक पासवर्ड और पासवर्ड को दोबारा एंटर करेंगे कंफर्म करने के लिए। यहाँ पर आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेंगे और यहाँ पर उसका आंसर डाल देंगे। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यही आंसर देकर अपने पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर ये कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहाँ डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यूजर आईडी डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टेनेंट रजिस्ट्रेशन का, इसमें आपको ऐड टेनेंट पीजी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी होगी। पहले आप यहाँ पर ऑनर की डिटेल्स फिल करेंगे, जिसमें ऑनर का फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ऑनर का ऑक्यूपेशन और ऑनर का कोई रिलेशन टाइप चूज करेंगे और उसका नाम यहाँ पर डालेंगे, जैसे कि फादर चूज किया तो फादर नेम डालेंगे। यहाँ पर ऑनर का पूरा एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद टेनेंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो टेनेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिसमें फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, इसके बाद ऑक्यूपेशन, टेनेंट क्या काम करता है और एड्रेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट में क्या देना चाहते हैं, जैसे कि आधार कार्ड चूज कर लेते हैं। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे टेनेंट का, यहाँ पर टेनेंट का मोबाइल नंबर डालेंगे और एक रिलेशन टाइप चूज कर लेंगे, जैसे कि फादर, और यहाँ पर फादर नेम डालेंगे टेनेंट का। पर्पस ऑफ टेनेंसी में चूज कर लेंगे, कमर्शियल पर्पस के लिए रेंट पर दिया गया है या फिर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी रेंट पर दी गई है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर टेनेंट की डेट ऑफ बर्थ आप इस कैलेंडर से चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर टेनेंट का एक फोटो अपलोड करेंगे, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फोटो आ गया है। इसके बाद फाइल टाइप फोटोग्राफ, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल देंगे फोटो। इसके बाद एड्रेस पर क्लिक करेंगे, टेनेंट के आपको तीनों एड्रेस देने होंगे, एक तो उसका करंट एड्रेस जहां पर अब वो रह रहा है, एक प्रीवियस एड्रेस पहले वो कहां रह रहा था और एक परमानेंट एड्रेस कि टेनेंट का परमानेंट एड्रेस क्या है, ये तीनों एड्रेस आप यहां पर फिल करेंगे। इसके बाद फैमिली मेंबर इंफॉर्मेशन, अगर टेनेंट अकेला रहता है तो यहां पर अलोन चूज कर लेंगे, फिर फैमिली डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर टेनेंट रहता है फैमिली के साथ तो यहाँ पर विद फैमिली चूज करेंगे। टेनेंट के यहाँ पर फैमिली मेंबर का फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम डालेंगे, रिलेशन चूज कर लेंगे, वाइफ है, मदर है, हस्बैंड है, गार्जियन या फिर फादर। एड्रेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप चूज कर लेंगे, जैसे कि वाइफ चूज की है तो वाइफ का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे, एक मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, नीचे यहाँ पर वाइफ की डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, एड पर क्लिक करेंगे, ये एड हो जाएगा। अगर और भी फैमिली मेंबर्स हैं तो उनका भी यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम डालेंगे, रिलेशन चूज करेंगे, टेनेंट का वो क्या लगता है उसका भी यहाँ पर एक आईडी प्रूफ चूज करेंगे, आईडी नंबर डालेंगे, एक मोबाइल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज करेंगे इस कैलेंडर से
और ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सभी को यहाँ पर ऐड करना होगा। इसके बाद एफिडेविट, क्या टेनेंट का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर है तो यस, और उसकी डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे, कौन सा केस चल रहा है, अगर नहीं तो नो चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन देंगे कि जितनी भी डिटेल्स आपने प्रोवाइड की है सब बिल्कुल सच है। इसके बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपको वेट करना होगा, डेटा प्रोसेस हो रहा है। आपकी डिटेल्स सबमिट हो गई है, आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेना है। दिल्ली में टेनेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कोई पैसा पे नहीं करना है, यूपी में आपको 50 रुपीज पे करने हैं। तो सभी स्टेट्स में टेनेंट वेरिफिकेशन की फीस अलग अलग होती है। टेनेंट रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड हो चुकी है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, इसको आप प्रिंट करके रख लीजिए। अब जैसे कि आपको पुणे में टेनेंट वेरिफिकेशन कराना है तो आप यहां पर लिखेंगे पुणे पुलिस, आपके सामने पुणे पुलिस की वेबसाइट आ जाएगी। इसको आप मराठी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं। यहां पर भी देखिए आपको टेनेंट इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। अगर आपके सामने लिखा हुआ आता है कि कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट तो आप एडवांस पर क्लिक करेंगे और यहां प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसमें यहां पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर भी आपके सामने वही पेज आ जाएगा, क्रिएट सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो पहले यहां पर आप एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है। इसके बाद यहां पर यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे और आपके सामने वही सेम प्रोसेस आ जाएगा जो कि दिल्ली और यूपी का मैंने आपको दिखाया है। सो इस तरीके से आप बिना पुलिस स्टेशन जाए ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से ही टेनेंट का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। बिना टेनेंट वेरिफिकेशन के आपको किसी को भी किराए पर अपनी प्रॉपर्टी नहीं देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।